हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर अकेडमी। एग्जाम फॉर अकेडमी के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2018 की अगली 10 बड़ी आने वाली भर्तियां। जी हाँ, हम इस बात वीडियो में बात करेंगे 10 आने वाली अगली बड़ी भर्तियां जो कि 2018 के में ही आएंगी। ये सभी भर्तियां जो हैं आज के रोजगार समाचार पत्र से मैंने निकाल के आप तक ला रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्रदेश का और भारत सरकार का एक डेली रोजगार समाचार पत्र आता है, जिसमें पूरे देश की जितनी वैकेंसियां आने वाली होती हैं या आ चुकी होती हैं उनका नोटिफिकेशन, उन सभी की डिटेल दी होती है। तो उसी से हम आपके सामने आज ला रहे हैं आज के रोजगार समाचार पत्र से सबसे बड़ी आने वाली 10 बड़ी भर्तियां। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि टोटल कितने वैकेंसी हैं और वो कब आएंगी, और आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो हम सभी की डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक बाय एक करके हम सभी वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन सी आने वाली हैं और आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी भर्ती आने वाली है वो है रेलवे की, जिसमें स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, टीसी और अन्य बहुत सी भर्तियां हैं। आप देख रहे हैं कि ये कल का न्यूज़पेपर का कटिंग है जो लिखा है रेल मंत्री, ये न्यूज़पेपर से, ये जो है रोजगार समाचार पत्र से नहीं, ये डायरेक्ट मैंने न्यूज़पेपर से उठाया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले, रेलवे में 1.25 लाख नौकरी के अवसर। कल यानी कि 17 कल पीयूष गोयल जो थे लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे, जहां रेलवे की एक मीटिंग थी, उसी में इन्होंने बताया कि रेलवे में 1.25 लाख नौकरियों के अवसर यानी कि नई भर्तियां होंगी। इसमें साफ साफ लिखा है, पीयूष गोयल ने कहा कि रेल कर्मी परिवार की तरह काम करें। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिस करने वाले कुछ प्रशिक्षकों को रेलवे में नौकरी मिल गई है, जो समान अवसर को नहीं दर्शाती है, इससे चलते उन्हें निकाला गया है। कोर्ट के आदेश बाद ही ऐसा फैसला हुआ, अप्रेंटिस को लेकर दुष्प्रचार हो रहा, तो ये तो अलग बात है। आगे लिखा कि रेलवे में करीब 1.30 लाख, 30 हजार, 1 लाख 30, 1.3 लाख यानी कि 1 लाख 30 हजार नौकरियों के अवसर, इसमें कुछ प्रतिशत अप्रेंटिस वालों के दिया जाएगा, और जो शेष वैकेंसियां रहेंगी वो रहेंगी आपकी टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर और अन्य पोस्टों की। तो ये हैं सबसे जो पोस्ट वन यानी कि सबसे पहले जो बड़ी भर्तियां हैं वो रेलवे की आने वाली हैं, जिसमें 1 लाख 30 हजार बड़ी भर्तियां रहेंगे। आने अगली जो बड़ी भर्तियां हैं वो मैंने निकाला है रोजगार समाचार पत्र से, ये रोजगार समाचार पत्र में छपा हुआ था। जो भारतीय डाक विभाग है उसी में जो पोस्ट मास्टर होता है, आप जानते हैं कि जो डाक विभाग होता है उसमें हर जो डाक विभाग होता है उसमें जो हेड होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मास्टर, हेड हेड पोस्ट मास्टर, तो उसी की भर्तियां आने वाली हैं। ये जो भर्तियां रहेंगी ऑल इंडिया लेवल पर रहेंगी यानी कि पूरे भारत के लिए वैलिड रहेंगी, और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 1632, कुल पद जो हैं 1632 हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो लिखा था कि जल्द ही आप तक मिल जाएगा, यानी कि इसकी जो वैकेंसियां हैं जल्दी मिल जाएंगी, टोटल वैकेंसी 1632। दूसरी बात, इसको अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम में आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है इस भर्ती को भरने के लिए। तो ये थी सेकंड नंबर की बड़ी भर्तियां। अब हम देख लेते हैं अगली बड़ी भर्तियां क्या हैं। यह है इलेक्शन कमीशन, जो आप जानते हैं भारत में इलेक्शन निर्वाचन आयोग है, उसी की ऑफिस असिस्टेंट की भर्तियां हैं। इसकी जो टोटल वैकेंसी है 3846, और इसमें यह भी बताया गया था कि जो ये ऑफिस असिस्टेंट की भर्तियां हैं इनका बहुत ही जल्द ही रिक्रूटमेंट करके पोस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2019 में जनरल इलेक्शन यानी कि चुनाव है, उसी को चलते हुए इलेक्शन कमीशन यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसको बहुत से सहायक या एग्जीक्यूटिव को चाहिए, तो इसीलिए ये भर्ती करवा रहा है, जिसके जो कुल पद हैं वो 3846 हैं, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हुए हों तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव यानी कि सहायक अधिकारी की पोस्टें हैं जो कि निर्वाचन आयोग है उसी की है। अगला हम बात करते हैं 4 नंबर की सबसे बड़ी भर्तियां, ये हैं आप बैंकिंग और इंश्योरेंस जो की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए मेनली, क्योंकि जो ये LIC AA है ये इंश्योरेंस की वैकेंसी है, और इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों का सिलेबस एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, और इसको जो कंडक्ट कराएगा वो कराएगा IBPS, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 482 हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में,
और इसका जो फॉर्म है वो बताया गया था कि दिसंबर के सेकेंड वीक से आपका ऑनलाइन फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी वैकेंसी है 482। और ये मेनली अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं तभी भरिएगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है एकदम बैंकिंग और इंश्योरेंस का सेम होता है। तो ये है IBPS जो रिक्रूटमेंट कराता है उसी की LIC AA 2018 की वैकेंसी, जिसमें टोटल पढ़ रहे हैं 482, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अगली जो बड़ी भर्तियां आने वाली हैं 5 नंबर की वो है BSF की। इसमें जो टोटल पोस्ट बताया गया था उसमें लिखा था, अभी कुछ नहीं लिखा था, वो रिक्रूटमेंट हो जाएगा उसके बाद बताया जाएगा कि आपकी कितनी पोस्टें हैं। तो इसमें जो पोस्टें हैं अभी नहीं बताया गया, जो BSF होता है उसी की ये भर्तियां हैं। तो इसमें जल्द ही रिक्रूटमेंट हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें जो फीस रखी गई है वो सभी SC ST OBC के लिए 0 है, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 12। अगर आप कक्षा 12 या इससे हायर एजुकेशन किए हैं तो BSF की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, और इसकी भर्तियां जो है जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी जो फीस रखी है वो है 0, यानी कि कोई भी आप भारत में कोई भी डिफेंस सेक्टर का एग्जाम भरते हैं तो उसकी सभी एग्जाम की जो फीस रहती है वो 0 ही होती है। और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कक्षा 12। तो ये थी 5 नंबर की। अब हम बात कर लेते हैं अगली बड़ी भर्तियां, ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य से मेनली वैकेंसियां। यूपी लेखपाल की आप सभी बहुत दिन से देख रहे हैं कि भर्तियां आने वाली हैं, तो उसी का जो नोटिफिकेशन रोजगार समाचार पत्र में दिया हुआ था उसमें ये एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि आपका फॉर्म कब से एक्टिवेट होगा, उसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती जो है जल्द ही शुरुआत किया जाएगा। इसके लिए आयोग पूरी तैयारी कर रहा है, तो उसी से ये बताया गया था। इसके लिए जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है कक्षा 12 प्लस CCC। इसकी दो कंडीशन है, आपको कक्षा जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कक्षा 12 होना चाहिए, उसके साथ साथ CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है करीब करीब 5300, इसीलिए मैंने सीधे सीधे लिख दिया है 5000+। इसकी जो टोटल पोस्टें हैं 5300 हैं, कुछ हैं पद इसीलिए मैंने लिख दिया 5000। और इसके लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 12, और साथ ही साथ आपको चाहिए CCC का सर्टिफिकेट। अगली जो बड़ी भर्तियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश से हैं, वो हैं यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट। यूपी इरिगेशन डिपार्ट की ये है मेनली JEE की, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। इसमें जो टोटल पद है 700 से ज्यादा हैं। इसको भरने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वो मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। जी हाँ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं तभी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट की JEE की भर्तियां, जिसमें जो टोटल पद हैं 700+ हैं। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अगली जो भर्ती है वो है यूपी समीक्षा अधिकारी, जो यूपी RO AR O होता है उसी की भर्ती है। उसमें जो ये जो टोटल वैकेंसी था ये भी नहीं बताया, ये नहीं बत इसमें भी नहीं बताया गया था, मेंशन नहीं था, तो ये जल्द ही वैकेंसी आपकी आ जाएंगी। और इसमें जो टोटल वैकेंसी थी ये नहीं बताया गया था। इसमें एक सबसे बड़ी दो नई चीजें हैं, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में। दूसरी बात ये इसमें टाइपिंग मांगा गया है, जो इस वैकेंसी है इसमें टाइपिंग मांगा गया है, और साथ ही साथ CCC सर्टिफिकेट भी मेंशन लिखा था कि यूपी समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसियां हैं उसमें CCC सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ ही साथ टाइपिंग भी होगा आपके रिटन एग्जाम के बाद। तो ये थी इसकी डिटेल, और इसमें जो वैकेंसियां बताया गया था वो अभी नहीं बताया गया। वैकेंसियां जो आपका ऑनलाइन फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद बताया जाएगा। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखना, इसको भरने के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग होगा, प्लस साथ ही CCC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगली जो बड़ी भर्तियां हैं बिहार JEE से आ रही हैं, जो बिहार जूनियर इंजीनियर है उसी की बड़ी भर्तियां हैं, और इसमें जो टोटल वैकेंसी बताया गया वो है 500+। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल में डिप्लोमा। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं तो बिहार JEE की वैकेंसी को आप भर पाएंगे। इसमें एक ही एग्जाम होगा, वो भी उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगली जो भर्तियां हैं वो बिहार स्टेनोग्राफर की हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी थी ये भी मेंशन नहीं किया गया था। आप जानते हैं कि SSC की जो वैकेंसी होती हैं ये बिहार SSC की मेनली वैकेंसी है, उसमें टोटल वैकेंसी जो है ये मेंशन नहीं किया गया था। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए
आप इसमें दो प्रकार की वैकेंसियां, सी ग्रेड और डी ग्रेड। डी ग्रेड के लिए जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए 10+2 यानी कि कक्षा 12, और सी ग्रेड के लिए जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक किसी भी स्ट्रीम में। साथ ही साथ इसके लिए टाइपिंग भी जरूरी है। अगर आप टाइपिंग कर पा रहे हैं तभी इस वैकेंसी को भरिए। तो बिहार स्टेनोग्राफर में सी ग्रेड और डी ग्रेड की भर्तियां हैं। सी ग्रेड के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए स्नातक, डी ग्रेड के लिए चाहिए 10+2, साथ ही साथ इसमें होगा टाइपिंग। और इसकी जो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है वो अभी नहीं बताया गया है। तो ये थी सभी आने वाली बड़ी भर्तियां, जो कि आप सभी का जो नोटिफिकेशन है जल्दी मिल जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी वैकेंसी की इनमें से, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर दीजिए और स्पीड अप कर दीजिए, क्योंकि ये सभी भर्तियां जो आएंगी बड़ी जल्द आएंगी और जल्दी से एग्जाम होके तुरंत रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि अभी मार्च अप्रैल के बाद जो है जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो उसी ले के आचार संहिता लग जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो सभी जो आयोग हैं अपनी सभी भर्तियां जल्दी करवा के पोस्टिंग करवा देंगे। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की, इसमें से जितने मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर दीजिए और कमर कस लीजिए, क्योंकि सभी का जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। सो फाइनली आपको उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से। तो उम्मीद करता हूँ कि एक बार और कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।